ये भी हुआ कि कुछ 5-6 सालों से जब से आयुर्वेद के और चाइनीज एक्यूपंक्चर पे काफ़ी काम आश्रम में हो रहा है, तो उसमें ऐसे भी आए कि शादी हो गई, 4-5 साल हो गए, संतान नहीं हो रही। मैंने कहा अच्छा, तो मैं वो जब नाड़ी परीक्षण करते हैं तो वैद्य ने बताया कि इनके शरीर में ये दिक्कत है जिस कारण से ये गर्भवती नहीं हो रही हैं। तो उनको कहा तुम रुको, इलाज कराओ। और हुआ ये कि 3 महीने में 4 महीने वो रहे और दवा भी चल रही है आयुर्वेद की, एक्यूपंक्चर भी चल रहा है और सुबह शाम आसन प्राणायाम भी चल रहा है, मन भी अच्छा हो रहा है, शरीर भी अच्छा हो रहा है। तो गर्भवती हो गई, तो मतलब अब ये भी कंसल्टेशन जो है हमसे हो रही है। तो अब और फिर योग वेदांत का तो हमारा फोरे है, हमारा मुख्य काम तो यही है ना, शास्त्रों से परिचित कराना, भगवद गीता से परिचित कराना, उपनिषदों से परिचित कराना, आदि गुरु ग्रंथ साहब की वाणी से तुमको परिचित, कबीर, रैदास, मीरा, दादू, रज्जब, इन सब की जो रचनाएं हैं उनके साथ आपको परिचित कराना, पतंजलि योग सूत्र हो या हमारे संतों की वाणी हो। खैर, उस बच्ची से मैंने पूछा और उसने मुझे बताया, और तुम सुन के हैरान होगे कि कारण क्या निकला। कारण ये निकला, कहती मेरी क्लास में सब लड़कियों का बॉयफ्रेंड है, मेरा नहीं है। 6th स्टैंडर्ड की बात कर रही हूं मैं, 6th स्टैंडर्ड में जा रही लड़की को इस बात से इतनी निराशा हो गई कि खाना पीना छूट गया, स्कूल में नंबर खराब आ रहे हैं, परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो रही है, रोती रहती है, खाना नहीं खाती, रात को सो नहीं पाती। 6th क्लास में जा रही को चिंता किस बात की हो रही है? तो जब ये मैंने बात सुनी तो मैंने कहा भाई, जो श्रीमद् भागवत में कलयुग के लक्षण कहे गए हैं उनमें से एक लक्षण ये भी है कि समय से पहले जवानी के जोश आ जाएंगे, समय से पहले दैहिक सुख की इच्छा जो है वो लड़के और लड़की में आनी शुरू हो जाएगी। और तुम उसका एक दूसरा प्रमाण जो मैं तुमको देती हूँ कि अब ये फिर आयुर्वेद की दृष्टि से और जो लेटेस्ट मेडिकल फील्ड में ये ऑब्जर्वेशन पाई गई कि एक समय पर कन्याओं को माहवारी 16 साल की उम्र में होती थी। अब ये जिनकी कोई पढ़नानी अगर है तो वो उनसे पूछ सकते हैं कि उनकी माहवारी कब शुरू हुई थी। वो 16 होती थी, धीरे धीरे 15 पे आई, 14 पे आई, 13 पे आई, अभी 11 साल की उम्र में। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण तुम्हारा प्रदूषित भोजन है। मुझे नहीं मालूम कि सरकारें ऐसा क्यों कर रही हैं, पर सरकारें तो पेस्टिसाइड पर सब्सिडी देती है, और खरीदो जहर, डालो सब्जियों में, डालो गेहूं में, डालो तुम इसको गन्ने में, और जहरीला खाना जब वही हम तुम लोग सब खाएंगे तो बताइए कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। तो पेस्टिसाइड के कारण हमारा जो चीनी है वो दूषित हो गई है, हमारी सब्जियां दूषित हो गई, गेहूं दूषित हो गए, गाय भैंसों को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं ताकि ज्यादा दूध आए, और इसकी वजह से कन्याओं में रजस्वला होने की उम्र कम होती जा रही है। आपको सुन के हैरत होगी कि कुछ केसेस 9 साल की उम्र में भी पाए गए हैं। लड़की को भी, बच्ची है, उसको अभी कुछ समझ मालूम नहीं है, लेकिन उनके शरीर भी इस तरह से बदल रहे हैं। तो जब ये परिवर्तन एक कन्या के शरीर में हो रहे हैं तो ऐसे ही परिवर्तन लड़कों के शरीर में भी हो रहे हैं। इसीलिए कम आयु में हार्मोनल इम्बैलेंस और पीसीओडी की समस्या बहुत भारी होती चली जा रही है, और जैसे जैसे शरीर बदलता है वैसे वैसे मन बदलता जाता है। जैसे जैसे मन बदलता जाता है तो जो इच्छाएं एक 16 या 15 साल की आयु में जाकर के आनी चाहिए थी वो उससे बहुत पहले शुरू हो जाती है। और फिर उस पर सबके पास फोन है,
और फोन पढ़ाई के लिए शायद माँ बाप ने दिया होगा, लेकिन अभी फोन पढ़ाई के अलावा और बहुत सारी चीज़ों के काम आता है, जिसके कुछ खराब नतीजे निकलते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मैं देखती हूँ माँ बाप खुद अपने बच्चों को वो फ़ोन पकड़ाते हैं कि फ़ोन में तुम गेम खेल लो, हमारा सिर मत खाओ, हमको पार्टी बाजार शॉपिंग जो करना है करने दो, बार बार हमको मत पूछो। और ये लगा दिया, या तो टेलीविज़न लगा दिया या तो मोबाइल फ़ोन दे दिया, और बच्चे उसको देखते हैं और फिर वो सब कुछ देखेंगे जो उस उम्र में उनको नहीं देखना चाहिए। और फिर यहाँ से समस्याओं का एक लंबा चौड़ा चिट्ठा जो है वो खुलना शुरू हो जाता है। मैं फिर कह दूँ, मनुष्य की नैसर्गिक इच्छा सुख पाने की है, ये सबके अंदर होती है। मनुष्य की इच्छा प्रेम पाने की होती है, और सबकी दृष्टि में सम्मान पाने की भी सहज से होती है, और उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हर चीज़ का एक समय, एक ढंग, एक तरीका होता है। जब वो ढंग नहीं होगा, जब वो तरीका नहीं होगा, तो फिर समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो पहली चिंता का कारण है तुलना करना। पहले तुलना होती है कपड़ों की, जेवरों की, फिर तुलना होनी शुरू हो जाती है पैसे की, और माफ़ करना, फिर ये तुलना करने की बीमारी तो 80 साल का हो जाए तब भी ख़त्म नहीं होती है। तब भी वो देखता है कि मेरे भाई के पास 50 करोड़ हैं तो मेरे पास 70 होने ही चाहिए, मेरे भतीजों के पास इतना रुपया, इतनी ज़मीन, इतनी दुकानें, इतनी फैक्ट्री, इतने खेत हैं तो मेरे पास उससे ज़्यादा ही होने चाहिए। तो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हम चिंता का ये जो रोग है वो अपने मन को लगा के बैठ जाते हैं। तुलना सबसे बड़ी बीमारी है। प्रकृति में ये हम अगर ध्यान से देखें तो सूर्यमुखी का फूल कभी ये नहीं सोचता है कि मैं कमल का फूल क्यों नहीं हूँ, कमल का फूल कभी ये नहीं सोचता है कि मैं गुलाब क्यों नहीं हूँ, गुलाब कभी ये नहीं सोचता है कि मैं मोतिया क्यों नहीं हूँ। तो मोतिया मोतिया होके खुश है, गुलाब गुलाब होके खुश है, सूर्यमुखी सूर्यमुखी होके खुश है, वो आपस में कोई तुलना नहीं कर रहे हैं। अब आप कह सकते हैं कि उसके पास बुद्धि नहीं है, प्रकृति ने उसे बुद्धि नहीं दी तो वो सोचेगा कहाँ से। बिल्कुल सही। तो हुजूर, आपके पास जो बुद्धि दी है वो तुलना करने के लिए तो नहीं दी थी ना, वो इसलिए तो नहीं मिली कि तुम दूसरों के साथ हमेशा दौड़ लगाते रहो और सबको नंबर बनाना है और सबको सबसे आगे जाना है और हम पीछे ना रह जाएं। ये दौड़ जो लगी पड़ी है, इस दौड़ ने तुम्हारे दिमाग खराब करके रखे हुए। प्रेम से श्रवण करिए, ये कबीर साहब का भजन है। कबीर साहब इसमें बहुत गहरी बात कह रहे हैं और पूरे जीवन का एक मैप हमारे आंखों के सामने खोल के दे देते हैं। श्रवण करिए और फिर इसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा और विचार रखूंगी। बीत गए दिन भजन बिना, बीत गए दिन भजन बिना रे, 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 बीत गए दिन भजन बिना, बीत गए दिन भजन बिना।
जब जवानी तब मान घना रे, जब जवानी तब मान घना रे, बीत गए दिन भजन बिना कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, पार उतर गए संत जनारे, पार उतर गए संत जनारे, भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे, भजन बिना
जब आपके जीवन में भजन नहीं होता तब आपके जीवन में सिर्फ भोजन होता है। जिनके जीवन में भजन नहीं होता और भोजन होता है, तो भोजन सिर्फ वो नहीं है जो तुम मुख से खाते हो, भोजन वो भी है जो तुम आंख से देखते हो, जो सिनेमा देखते हो, भोजन वो भी है जो तुम कानों से सुनते हो। सब तरह का म्यूजिक है, राग रंग है, वो कानों से गया हुआ भोजन है। जो तुम परफ्यूम्स यूज़ करते हो, इत्र यूज़ करते हो, वो नाक के जरिए गया हुआ मन का भोजन होता है। जो तुम अपने शरीर पर इस तरह का कपड़ा और उस तरह का कपड़ा और इस तरह की शॉल और उस तरह का ये, और ये अपने शरीर के जरिए स्पर्श के सुख को हम अनुभव करते हैं। तो जब ये विषयों का भोजन मन में चलता हो और दूसरों के साथ तुलना करने की बीमारी लगी हुई हो, तो ऐसे में मन शांत कैसे रह सकता है?